नमस्कार। आज माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्षता रे 53तम कैबिनेट अनुष्ठित हो जाए एवं मंत्रिमंडल आज 17 गोटी प्रपोजल को डिस्कशन करप्रूव कर प्रस्ताव भितर प्रथम प्रस्ताव हूँ स्टेट गवर्नमेंट रो ग्रांटी नेट जो माने पाउछन एलिजिबल एम्प्लॉइज एडेड नॉन गवर्नमेंट हाई स्कूल अपर प्राइमरी स्कूल्स एवं मद्रासा 20 रे तंकर जो पे फिक्सेशन कराइला 2018 मसिया को नहीं कि ताको वर्तन रिवाइज करके 1/1/22 को नहीं कि तंकर 7th पे कमीशन फिक्सेशन करा है छि एवं जो माने 100% ग्रांटी पाउथबे 31 डिसेंबर 2021 सुधा से माने या पाया पे एलिजिबल हेबे या द्वारा 26,164 जन टीचिंग एवं नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज ये जो नुआ न्यू एडेड नॉन गवर्नमेंट हाई स्कूल एवं यूपी स्कूल जो मद्रास रे जो माने काम करछन से माने बेनिफिट पाइबे एवं राज्य सरकार एति पई प्रति वर्ष 280 कोटी टका खर्च करिवे से भली आज राज्य कैबिनेट गोटे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नै छथि भुवनेश्वर रो इंटरनेशनल फ्लाइट बैंकॉक सिंगापुर एवं दुबई पई गोटे टेंडर आह्वान करा जाइथिला जो थे कि फ्लाइट ऑपरेटर माने कोट करिवे केते टंका स्टेट गवर्नमेंट तरफ दिया जिवो एवं एंटायर टिकेट अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को आसिवो ए जो टेंडर हेतिला सेथिरे इंडिगो एयरलाइंस अप्लाई करचंते 186 सीटर फ्लाइट इंटरनेशनल रूट रे तीनटाक रूट रे चलाया पई एवं ताको आज से जो फाइनेंशियल बिट देचंते आज राज्य कैबिनेट तक अप्रूव कर आशा करसंता मसे देढ़ मास मध्य इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई बैंकॉक एवं सिंगापुर को आरंभ हो से भाई आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तरफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर वुमेन SSG उपर गोटे प्रपोजल थिला जो थे कि मशरूम एवं फ्लोरिकल्चर मिशन ताको कंबाइन करके वुमेन SSG मान जरिया गोटे स्कीम आज राज्य कैबिनेट अप्रूव कर जो थे आसंता 5 वर्ष मध्य 367 कोटी टंका खर्च एवं आम स्टेट को ए जो मशरूम एवं लूज फ्लावर रे सेल्फ सफिशिएंट करा जिवो एटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ताको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आम मिशन शक्ति डिपार्टमेंट सहित मिसिकी ताको इम्प्लीमेंट करिवे से भले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रो आ गोटे प्रपोजल थला डेवलपमेंट ऑफ पोटैटो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स एवं स्पाइसेस जो थे कि 5टी वेजिटेबल को आइडेंटिफाई कराई जो थे ओडिशा डेफिसिट अच्छी जमी आलु प्याज ऑफ सीजन वेजिटेबल एवं स्पाइसेस तेणु ये जो जो प्रोडक्ट गुड़े ओडिशा डेफिसिट अच्छी से सेल्फ सफिशिएंट करने ओडिशा रु अन्य राज्य को रप्तानी करने गोटे प्रपोजल जोटा कि 1142 कोटी टंकार एवं आसंता 4 वर्ष ताको इम्प्लीमेंट करा जिवो एवं या इम्प्लीमेंट हेले आमे आशा करछु रूरल एरिया रे लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हबो एवं चासी मानकर इनकम लेवल बढ़िबो ए जो प्रपोजल ताको वुमेन SSG एवं आमर जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सब अछन्ते से मानक जरिया रे ताको इम्प्लीमेंट करा जिवो सेबळी आज राज्य कैबिनेट ओडिशा स्टेट कैपेबिलिटी एंड रेजिलिएंट ग्रोथ पॉलिसी प्रोग्राम जोटा कि गोटे एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक थ्रू रे इम्प्लीमेंट हाँ जाऊँ ताको आज राज्य कैबिनेट अप्रूव करते तीन टी कंपोनेंट रोचे गोटे हूँ सोशल प्रोटेक्शन डेलीवरी प्लाटफर्म गोटे IT डिपार्टमेंट तरफ या प्लानिंग एवं कन्वर्जेन्स डिपार्टमेंट जो स्टाटिस्टिकल सिस्टम अच्छी ताको स्ट्रेंथन कर गोटे डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ओस्टमा अंडर ताको डेवलप करा जिवो ए तीन टी कंपोनेंट पई आसंता 5 वर्ष 1183 कोटी टंका खर्च करा जिवो एवं सेथिरो वर्ल्ड बैंक लोन 816 कोटी एवं राज्य सरकार कंट्रीब्यूशन 367 कोटी टंका रहिवो एवं या पई गोटे PMO फाइनेंस डिपार्टमेंट रे करा जायछि एवं फाइनेंस डिपार्टमेंट ए जो प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करिवे से भले आज राज्य कैबिनेट ओडिशा मिनिस्ट्रियल सर्विसेस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ जूनियर असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स एंड अदर सबनेट ऑफिसर्स रूल्स 2019 अमेंडमेंट कर आगुरी ग्रुप डी रू
ग्रुप सी को प्रमोशन पाई जो प्रोसेस थिला जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट कराउतला एवं 600 नंबर परीक्षा कराउतला ताको मॉडिफाई कराई कंप्यूटर स्किल टेस्ट वर्तमान केवल क्वालिफाइंग हबो एवं 180 मार्क रो 3 घंटा ड्यूरेशन टेस्ट करा जिवो जादरा कि आमर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ग्रुप डी रो ग्रुप सी को बहुत स्मूथली हे परिवो से भले राज्य कैबिनेट आज कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल और इक्विवेलेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर स्पेशलिस्ट पोस्ट और सर्विसेस रूल्स 2022 को आज फ्रेम करचंदे एवं ताको अप्रूव करचंदे एथिरे विभिन्न डिपार्टमेंट रो 10+2 मिनिमम क्वालिफिकेशन बा इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रो जत्ते परीक्षा होतला विभिन्न सर्विस रूल माध्यम रे होतला विभिन्न डिपार्टमेंट रो तेणु स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बहुत टाइम नौले ए परीक्षा सब करने तेणु वर्तमान डिसाइड कराई गोटे कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जहाँद्वर कि यही रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट कर जो रूलटा आज कराला तार ओवर राइडिंग इफेक्ट रु डिपार्टमेंट उपर से आज राज्य कैबिनेट आमर जो डेंटल सर्जन मैंने अच्छा से प्रमोशनल आभेन्यू विशेष किसी नाला राज्य कैबिनेट आगुरु डेंटल सर्जन मानक नंबर 438-584 को वृद्धि करचंदे जो थे कि गोटे एडिशनल डायरेक्टर 15 एडिशनल डायरेक्टर लेवल 2 17 पोस्ट जॉइंट डायरेक्टर लेवल 31 पोस्ट ग्रुप ए सीनियर ब्रांच और 82 पोस्ट ग्रुप ए जूनियर ब्रांच क्रिएट करचंदे इम्प्लीमेंट करने जमी डेंटल सर्जन मैंने प्रमोशनल आवेन्यू पाइबे से यही नुआ रूलटा को आज राज्य कैबिनेट अप्रूव करचंदे या द्वारा डेंटल सर्जन माने जो बहुत दिन दाबी थिला प्रमोशन पा नथिले सेमंकर प्रोफेशनल अभिनय अन्य डॉक्टर मानक भलिया हबो से भली आज राज्य कैबिनेट ओडिशा एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी 2022 को अप्रूव करचंदे यही पॉलिसी रे एमएसएमई मानक पई बहुत गुडे बेनिफिट अछि एवं एटा इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करा जिवो राज्य सरकार प्रत्येक गाँव को एवं प्रत्येक फैमिली को सेफ ड्रिंकिंग वाटर जोगे देवाई गोटे बहुत बड़ा मिशन कार्यक्रम चली परिप्रेक्षी में आज दुई गोटी मेगा पाइप वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अनुगुल डिस्ट्रिक्ट जोटा कि टेंडर आह्वान कर दुईटा प्रोजेक्ट रे अनुगुल ब्लॉक एवं बहनपाल ब्लॉक प्राय 232,000 लोक बेनिफिट पाइबे 277 गाँ कम्प्लीटली पाइप वाटर सप्लाई प्रत्येक घर को जोगाई दिया जिवो ए अनुगुल एवं बहनपाल ब्लॉक रो जो टेंडर कराइथिला पाइप वाटर सप्लाई पई मेगा प्रोजेक्ट दुटा केपीटीएल इन जॉइंट वेंचर विथ जेएमसी L1 टेंडर पकईंटे से 357 कोटी टंका खर्च करा जिवो एवं आसंता 2 वर्ष मध्य ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हे एथिरे 5 वर्ष पई ऑपरेशन और मेंटेनेंस चार्ज मध्य इनक्लूडेड अच्छे BSNL तरफ गोटे रिक्वेस्ट आसाला राज्य सरकार पाखक जो BSNL जो टावर सब कराँ विभिन्न दुर्गम अंचल जो कनेक्टिविटी नहीं से 4G मोबाइल टावर जोटा सांक्शन ताको इम्प्लीमेंट करने 2000 स्क्वायर फिट रगा फ्री अफ प्रीमियम दवापाई BSNL तरफ राज्य सरकार को अनुरोध कराइला राज्य कैबिनेट आज ताको अनुमोदन देखते 1687 लोकेशन 2000 स्क्वायर फिट रगा फ्री अफ प्रीमियम अक्युपेसन BSNL को जोगाई दिया जिवो या द्वारा 1792 विलेज जो थे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं से इंटरनेट कनेक्टिविटी पाइबे एवं BSNL एथि पई गोटे टोकन अमाउंट मात्र 1 टंका वर्ष को प्रत्येक साइट पई सेमाने राज्य सरकार को देबे से भले रेवेन्यू एवं डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तरफ गोटे प्रपोजल आसतिला गंजाम जिलार हिंजली काटू तहसील रे समरझुला गाँव रे शंकर नेत्रालय चेन्नई तरफ 4.5 एकर जमी आई हॉस्पिटल पई जोगे दिया जाइछे एवं जेहेतु एटा गोटे चैरिटेबल ट्रस्ट से रिक्वेस्ट करथिले तार प्रीमियम एवं एनुअल ग्राउंड रेंट कम करने तेणु आज राज्य कैबिनेट आनुआल ग्राउंड रेंट को 25% को कमई शेष मत 75% अफ दि आनुआल ग्राउंड रेंट हम यादारा जो चैरिटेबल आई हॉस्पिटल गंजाम जिले में ठीक भाव में फंक्शन कर स्टील एंड माइंस डिपार्टमेंट तरफ गोटे प्रपोजल था OMMC रूल 2016 अमेंडमेंट पई आगु राज्य कैबिनेट ऑलरेडी अप्रूव कर माइनर मिनरल जो मैनेजमेंट था रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रू ट्रांसफर कर स्टील एंड माइन्स डिपार्टमेंट अंडर को अणा जाइए जो आनुषंगिक अमेंडमेंट सब दरकार रूल्स आज राज्य कैबिनेट अप्रूव कर।
वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट तरफ महानदी उपरे दुईटा बैरेज जगत सिंहपुर एवं केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे करिया पे टेंडर कराया था। गोटे हूँ चौधरीगढ़ा पाखरे एवं आउ गोटे हूँ पाइका नदी में टिकिरी पाखरे। या द्वारा इन स्ट्रीम स्टोरेज हम महानदी भितरे बहुत पानी स्टोर करके रखी हेब एवं ताको विभिन्न पर्पस रे व्यवहार करा जाई परिबो। ए जो ईपीसी मोड रे जो टेंडर करा हेतला सेतिरे 344 कोटी टंका आसी L1 टेंडर एवं 5 वर्ष ऑपरेशन मेंटेनेंस पई मध्य एतिरे व्यवस्था अछि। ए जो प्रोजेक्ट हेले जगतसिंहपुर एवं केंद्रापड़ा जिलार 99 टी गाँव लोक एवं पारादीप म्युनिसिपालिटी रो मार्सागाई महाकालपड़ा ब्लॉक रो पारादीप म्युनिसिपालिटी रो 99 टी गाँव रो हजार हजार संख्यार लोक ड्रिंकिंग वाटर एवं अन्यान्य सुविधा पाइबे। ता छड़ा पिसिकल्चर लाइफ स्टक फार्मिंग एवं इरिगेशन इत्यादि मध्य एथरो हे परिबो। सेभली जल संपद विभाग तरफ राउरकेला स्टील प्लांट जो रिक्वेस्ट करथिले वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट को तांकर जो वाटर ऊपर जो पेनाल्टी होची गवर्नमेंट जो रिवर जो वाटर सन ड्रॉ करचंदी ताको वेव करिया पे कारण से माने शंख नदी रे मंदिरा डैम तैयारी करचंदी एवं मंदिरा डैम को से माने ऑपरेशनल मेंटेनेंस मध्य करचंदी। ता छडा मंदिरा डैम रो पानी रेगुलरली रिलीज करचंदी जहा कि सुंदरगढ़ जिलार जनसाधारण को सहाय रे आसुची। तेणु तांकर जो प्रिंसिपल अमाउंट थिला 71 कोटी ताको से माने पेमेंट करचंदी एवं तांकर जो इंटरेस्ट एवं पेनाल इंटरेस्ट थिला 220 कोटी ताको से माने अनुरोध करथिले राज्य सरकार को छाड़ करिया पई जेहेतु से माने मंदिरा डैम पई टोटल इन्वेस्टमेंट करचंदी एवं राज्य सरकार से डैम करनांती राउरकेला स्टील प्लांट करिछि एवं तार रिपेयर मेंटेनेंस एसो मध्ये से माने वर्तमान करचंदी। सेति पई आज राज्य कैबिनेट ताको अनुमोदन करचंदी से माने ए जो एरियर इंटरेस्ट अछि 220 कोटी टंका ताको से माने पेमेंट करिवेनी किंतु एंटायर प्रिंसिपल अमाउंट से माने पेमेंट करिवे। से भाई वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट तरफ गोटे प्रपोजाल आसाला वन टाइम सेटलमेंट ऑफ एरियर वाटर रेट ड्यूज सेंट्रल स्टेट पीएसयू मानकर एवं अन्यान्य कमर्शियल एवं इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट मानकर आगु जितेबाला नेचुरल वाटर रिसोर्स वाटर सोर्स को आम गवर्नमेंट वाटर सोर्स हिसाब से नोटिफाए कले जो इंडस्ट्री मैंने ड्र कर पाँच नर्माल रिवर रु ताको आम चार्ज कले से समय अनेक गुड़े इंडस्ट्री हाइकोर्टे केस कर 21 टी केस हाइकोर्टे पेंडिंग अच्छी जो थी कि 1219 कोटी टंका प्रिंसिपल अमाउंट एवं प्रिंसिपल अमाउंट एवं पेनाल इंटरेस्ट से सब अच्छी तेणु ताको आज जो प्रिंसिपल आम नालको अनुगुल नालको दामनजोड़ी एवं MCL इत्यादि पर आगु वन टाइम सेटलमेंट कराइला कैबिनेट को लेकिन सेम प्रिंसिपल समस्त को एक्सटेंड करने आज राज्य कैबिनेट डिसाइड कले जो थे कि प्रत्येक इंडस्ट्री जो मैंने केस कर एंटायर प्रिंसिपल अमाउंट आट ए टाइम जदि देवे एवं पेनाल्टी जहाँ चार्ज कराई इरीगेशन रूल अनुसार देवे एवं सिंपल इंटरेस्ट जदि 12% आनुअली से मैंने डिपोजिट करेंगे एवं वन इनस्टलमेंट पेमेंट करेंगे तेल से वन टाइम सेटलमेंट अनुसार अन्यान्य जो पेनाल इंटरेस्ट चार्ज कराई छाड़ तेणु या द्वारा राज्य सरकार 1219 कोटी टंका रिकवरी करिवे एवं गोटे लिमिटेड टाइम दिया जाए या पे लिमिटेड विंडो दिया जिवो एवं सेमाने भी अंडरटेकिंग देबे ये जो केस वर्तमान हाईकोर्ट रे पेंडिंग अछि एवं राज्य सरकार सेतरु कोनोसी अमाउंट पाउ नहांती स्टे ही के अछि से अंडरटेकिंग देबे से कोर्ट रो केस सब विथड्रो करिया पे। एबले आज राज्य कैबिनेट समुदाय 17 गोटी प्रपोजल को अनुमोदन करचंदी। धन्यवाद।